मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। तेलंगाना के निजामाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ बाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राज्य अधिवेशन। कार्यक्रम में उपस्थित हुए हजारों की संख्या में मूल निवासी बहुजनों की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी मूल समस्याओं के कारणों पर विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। स्कूलों में तालाबंदी, सड़कों पर स्कूली बच्चे। भले ही बिहार की सरकार बदल गई, शिक्षा मंत्रालय बदल गया, लेकिन बदहाल शिक्षा व्यवस्था जस की तस बनी है। शिक्षकों की मनमानी से तंग आकर बच्चों ने स्कूल में जड़ा ताला। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रथम जिला अधिवेशन यवतमाल में भारी सफलता के साथ संपन्न। आयोजित इस जिला अधिवेशन में सैकड़ों मूल निवासियों ने लिया हिस्सा। उपस्थित जन समूह ने ब्राह्मणवाद के समूल नाश का किया संकल्प। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात ने किया। बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मामला पंजाब के दीनानगर का है, जहां टेट अध्यापकों की भर्ती निकालने की मांग को लेकर बेरोजगार अध्यापकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। गढ़चिरौली में भारी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला अधिवेशन। कार्यक्रम में मूल निवासी विद्यार्थियों को शिक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित करने हेतु यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों को किया गया उजागर। मिर्जापुर में सड़ गई ट्राई साइकिल, मगर विकलांगों को बांटने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि राज्य सरकार विकलांगों के साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी कर रही है।